देश में हर रोज अपराध के मामले को बढ़ते देखा जा रहा है। हाल ही में थाने में हुए सरस्वती हत्याकांड ने इससे पहले हुई सभी दर्दनाक हत्याओं की याद दिला दी है। हम आपको आज उस तंदूर मर्डर केस से लेकर आज तक हुई उन सभी चर्चित हत्याओं के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और जो इन सभी हत्याओं का बाप कहा जाता है। श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब ने उसकी हत्या कर उसके शव को 35 टुकड़ों में काटा और फिर उसे दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। हैवानियत की कहानी केवल यहीं तक नहीं रुकी। आफताब ने श्रद्धा के सर को घर के फ्रिज में रखा था और रोज उसे रात को देखता था। ये केस जब देश के सामने आया तो हर तरफ दहशत का माहौल बन गया था। उसके बाद आया निक्की यादव मर्डर केस। निक्की यादव की उसके लिव इन पार्टनर साहिल ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके शव को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक घुमाया था। इसके बाद एक ढाबे में उसके शव को छिपा दिया और फिर दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। अब बात करते हैं हाल ही में हुए सरस्वती हत्याकांड की, जिसने इंसानियत को न केवल शर्मसार किया बल्कि हैवानियत की सारी हदों को भी पार कर दिया है। 32 साल की सरस्वती की उसके लिव इन पार्टनर ने दीपक साने ने हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके लाश को 100 टुकड़ों में काटा और कुकर में उबालकर फिर मिक्सर में पीसकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। इस घटना ने हाल ही में हुए सभी हत्याओं की घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इन सब घटनाओं का बाप 1995 में हुआ तंदूर मर्डर केस, जिसे याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है और रूह अंदर तक कांप जाती है। तंदूर कांड नाम से चर्चित दिल्ली में 28 साल पहले हुए नैना साहनी मर्डर केस ने न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को दहला दिया था। अवैध संबंध के शक में हुए इस कत्ल ने न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया था। तंदूर कांड में भी एक शख्स ने अपने पार्टनर की हत्या कर निर्ममता की सारी हदें पार कर दी थी। ये घटना भी राजधानी दिल्ली में हुई थी। साल 1995 में सुशील शर्मा नाम के एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2 जुलाई 1995 को सुशील ने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देख लिया था। नैना ने सुशील को देखते ही फोन काट दिया। सुशील ने जब नंबर रीडायल किया तो दूसरी तरफ से उसका सहपाठी करीम मतबूल था। इस बात से सुशील आग बगुला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाए उसने नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हत्या करने के बाद सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। सुशील ने नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही होटल बगिया को चुना। यहाँ उसने उसकी लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा करने से पहले लाश को कई टुकड़ों में काटा फिर उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की। लाश आसानी से जल सके इसलिए उसने नौकर से मक्खन मंगवाया। सुशील जिस समय इन टुकड़ों को जला रहा था तभी पास के फुटपाथ पर सो रही एक महिला धुआं देखकर चीखने लगी। उसकी चीख पुलिस की एक टीम ने सुनी जो वहां से पेट्रोलिंग करते हुए गुजर रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो नैना का अजला शव मिला। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतड़ियां पेट से बाहर निकल आई थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसके पति सुशील की तलाश की, लेकिन वह तब तक फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने उसे एक हफ्ते के अंदर ही पकड़ लिया था। सुशील शर्मा को इस केस में स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि जब शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो शीर्ष अदालत ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था बल्कि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता तखिल था कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को 23 साल की सजा काटने के बाद रिहाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिसंबर 2018 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। न्यूज़ टाइम मीडिया के लिए सोनाली सिंह की रिपोर्ट।